उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया है। कोरोना संक्रमण पॉजिटिव के कारण लंबे समय से संजय गांधी पीजीआई में भर्ती रहे चेतन चौहान की किडनी ने काम करना बंद कर दिया था। उनको लखनऊ से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया था, जहां वो लाइव सपोर्ट सिस्टम पर थे। कोरोना वायरस से संक्रमित उत्तर प्रदेश के होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लाइव सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में चौहान के पास सैनिक कल्याण, होमगार्ड, पीआरडी और नागरिक सुरक्षा मंत्रालय थे। बीते 12 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनको संजय गांधी पीजीआई में एडमिट कराया गया था। इसके बाद उन्हें किडनी और ब्लड प्रेशर की समस्या शुरू हो गई। इसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। अमरोहा से चेतन चौहान भाजपा के सांसद भी रहे। चेतन चौहान ने बीजेपी की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय भूमिका निभाई। चेतन चौहान बीजेपी से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। 1991 और 1998 के चुनाव में वो बीजेपी के टिकट अमरोहा से सांसद बने थे। चेतन चौहान अमरोहा जिले की नौगवा विधानसभा के विधायक थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी।